हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर गैरेज। और आप वीडियो का थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि हमारी वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर एक BS3 इंजन जैन स्टील मॉडिफाई की वीडियो डाली थी। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप आई बटन यहाँ पे शो रहा होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था और कमेंट्स भी आए थे कि आप BS4 वाली वीडियो बनाइए। तो गाइस, इसलिए मैं आपके लिए BS4 मॉडल मॉडिफाइड जैन स्टील लेके आया हूँ। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हो कार के फ्रंट से स्टार्ट करें तो सब कार का फ्रंट तो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, जैसा कि आप देख सकते हो। और गाइज, हेडलैम्प से स्टार्ट करें तो हेडलैम्प्स थोड़े से डिफरेंट आते हैं जो स्टॉक आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ऐसी स्मोक टेप नहीं लगी होती। इसमें दोनों साइड हेडलैम्प्स पर स्मोक टेप भी लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे रही है। और इसको और गाइज, हेडलैम्प्स के ऊपर यहाँ पे बोनेट पर एक स्पोर्ट्स माइंड का स्टिकर भी लगा हुआ है। और जिसकी फ्रंट ग्रिल है वो यहाँ पर क्रोम आती है कंपनी से और यहाँ पर आती है, यहाँ पर हमने खुद ही लगाई है यहाँ पर। इसके लुक्स को इन्हेंस करने के लिए और गाइज, यहाँ पर ये 3 stripes लगाई गई हैं डिफरेंट कलर्स की। और इसका जो फ्रंट एस का लोगो होता है उसको भी थोड़ा सा कस्टमाइज किया गया है। और इसके फ्रंट में एक ये टोइंग बेल्ट भी लगी हुई है जो कि हमने घर पर ही बनाकर लगाई है। अगर आपको भी ये खुद ही बनानी है अपने घर पर अपनी कार में लगाने के लिए तो आपको अभी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और गाइस, जैसा कि आप इसके बम्पर पर देख सकते हो, ये कर्व में ऐसे ब्लैक पेंट किया गया है जो कि इस कार को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है। आप भी अपने कार में ऐसा कोई पेंट या फिर टेप वगैरह से कर सकते हैं जिससे कि इस कार का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इस कार को काफ़ी ज़्यादा बल्की लुक देगा गाइज, अगर आप भी ऐसा ही पेंट अपनी कार में करवा लोगे तो। तो गाइज, इसके हेडलैम्प्स और फोग लैम्प्स में जो कंपनी से स्टॉक बल्ब आते हैं वही लगे हुए हैं, इसमें कोई ज़्यादा अपग्रेड नहीं कराया गया है। और गाइज, यहाँ पे एक ये स्टिकर भी लगा हुआ है फ्रंट ग्लास पर। चलिए गाइज, इस कार के साइड प्रोफाइल पर चलते हैं। साइड प्रोफाइल में आई कैची ये व्हील कवर लग रहे हैं मुझे, जैसा कि आप दोनों देख सकते हो। एलॉय व्हील्स तो नहीं है पर हाँ, व्हील कवर को ही कस्टमाइज किया गया है। इनको भी आप घर पर ही कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आपको स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहाँ पर जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं। ये सिर्फ 10 से 20 रुपए में ही आपके कार का लुक इन्हेंस हो जाएगा। और गाइज, यहाँ पर एक मुझे स्टिकर भी दिख रहा है KNN का, इसमें कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, बस ये शोइंग पर्पस के लिए स्टिकर लगाया गया है। और एक ये गुच्ची का स्नेक भी है। और गाइज, साइड में क्रोम बीडिंग भी लगाई गई है इधर भी और ऊपर रेन वाइजर पर भी। और एक ये स्पीड हंटर्स का स्टिकर भी दिख रहा है साइड प्रोफाइल में। और इसमें ये क्रोम हैंडल्स भी लगाए गए हैं, आफ्टर मार्केट कंपनी से तो नहीं आते, ऊपर से इनको पेस्ट किया जाता है 3M की टेप्स की हेल्प से। तो चलिए गाइज, कार के बैक प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। तो गाइज, आज थोड़ी हवा ज़्यादा चल रही है तो शायद आपको भी इसमें सुनाई दे रहा हो, तो प्लीज़ गाइज आप माइंड मत करना। कार की बैक प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है इस कार की। कार की टेल लैम्प से स्टार्ट करें तो ये कोई आफ्टर मार्केट टेल लैम्प्स नहीं है, जैसा कि मैंने आपको BS3 में भी बताया था, ये हमने घर पर ही करे हैं। और गाइज, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप जैन स्टील के टेल लैम्प्स को कस्टमाइज करके दिखाइए, तो मैं जल्द ही उसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा। तो गाइज, आपको भी वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जब भी वो वीडियो डालूंगा आप सबसे पहले देख पाओगे उसको। तो गाइज, आपको इस BS3 वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा या BS4 वाला, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं वही डिज़ाइन आपको बना के दिखाऊंगा। एक मैं टेल लैम्प्स अरेंज करने की सोच रहा हूँ कहीं से, क्योंकि हमारे पास 2 ही जैन स्टीलो थी और मैंने दोनों पे डिज़ाइन बना चुका हूँ, तो उसको रिमूव करूँगा तो शायद उस पर कोई निशान वगैरह आ जाए, तो इसलिए गाइज मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता।
तो गाइस के टेल लैंप से रिलेटेड जो ये डिज़ाइन है 10 रुपये में ही बन जाता है। उसके ऊपर आप स्मोक टेप जो 100 से 150 रुपये की चढ़ती है वो आप लगवा सकते हो, जिससे कोई इसको रिमूव ना कर पाए। तो गाइस इसमें एक ये यहाँ पर एक ये एंटीना लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और गाइस ये कोई ये सिर्फ लुक्स के लिए है और बाकी इसका कोई पर्पज़ नहीं है। एक ये शार्क फिन एंटीना लगा हुआ है, ये भी सिर्फ लुक्स के लिए है। जैसा कि आप देख ही सकते हो कार को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है ये, देखो आप। और गाइज यहाँ पर भी एक बैक ग्लास पर भी यहाँ पर एक स्टिकर है, और यहाँ पर एक ये लाइव टू ड्राइव का स्टिकर लगा हुआ है। एक जो एस का मोलोग्राम होता है उसको हमने रिमूव कर कर यहाँ पर एक ये ट्रांसफॉर्मर का स्टिकर लगाया हुआ है, और यहाँ पर इसको ब्लैक कर दिया गया है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है। नीचे भी एक टोइंग स्टैप लगी हुई है, जो कि हमने खुद ही बनाकर लगाई थी। और बाकी गाइस ये VXI वेरिएंट है, तो इसमें डीफोगर और बैक का वाइपर कंपनी फिटेड ही आता है। तो गाइस इंटीरियर तो आपने मेरी काफी सारी वीडियोस में देखा होगा इस कार का, लेकिन आज मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या मोड्स हुए हैं इंटीरियर में। तो गाइज हम कार के इंटीरियर की तरफ आ चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा मुझे आई कैची इसका डैशबोर्ड ही लग रहा है, जो कि इस मूर्ति की वजह से हो रहा है। गाइज अगर आपको भी इसकी फिटमेंट, प्राइस, इंस्टॉलेशन कुछ भी देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। और एक ये डोगी लगाया हुआ है, जो कि कुछ समय पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, जो कि इसकी चैन यहाँ पर ऐसे लग जाती है। और ये एक सुजुकी का जो मैट होता है फ़ोन रखने का, उसके ऊपर खड़ा हुआ है गाइज। और एक ये हैंगिंग आर्टिकल लगाया हुआ है, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, ये अपनी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें एक ये गियर नोब लगाया हुआ है आफ्टर मार्केट, इसमें जो गियर नोब आता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब सा लुक का होता है, तो इसलिए हमने ये लगा दिया था इसमें। और एक ये इसमें आर्म रेस्ट भी लगा हुआ है। इसकी फिटमेंट भी अगर आपको देखनी है, प्राइस देखना है, इसके गुड पॉइंट बैड पॉइंट देखने हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले भी विजिट कर चुके हैं, तो शायद आपने देखा भी होगा कि हमने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। और गाइस ये कार VXI वेरिएंट है, तो इसमें आप देख सकते हो चारों पावर विंडो है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। और गाइस इसमें म्यूजिक सेटअप में भी अपग्रेड है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पर गाइस म्यूजिक सेटअप से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी और थोड़े से इसके स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ इंटीरियर के। गाइस इसके अंदर ये चॉकलेट कलर के ब्राउन और जो क्रीम जैसा इसका डैशबोर्ड है, इसके मैच के ही इसमें सीट कवर्स लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। एक थीम बनी हुई है इंटीरियर की। आपके भी जिस कलर का इंटीरियर हो, जैसे हमारा ड्यूल टोन इंटीरियर है, तो आप भी कोशिश करा करो कि वैसे ही कलर के इंटीरियर वो सीट कवर्स लगाओ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक हो जाएगा आपकी कार का भी। और गाइस में कर्टेंस भी लगे हुए हैं, देख सकते हो आप पीछे वाले ग्लास पर भी। या आप इसकी बैक वाली सीट देख सकते हो। और गाइस पीछे ट्रे में एक ये एल्पाइन का स्पीकर भी लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए इसके म्यूजिक सेटअप की तरफ चलते हैं। तो गाइस इस कार में म्यूजिक सेटअप में तो गाइस सब कुछ स्टॉक ही है, जैसा कि आप देख सकते हो चार और गेटों के स्पीकर जो कंपनी से आते हैं वही स्टॉक हैं, और जो स्टीरियो आता है ये भी आप देख सकते हो मारुति की तरफ से जो आता है वही है। और गाइस इसके अंदर एक ही अपग्रेड बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इसका म्यूजिक सेटअप सुन लीजिए। तो गाइज यहाँ पर तो मैं आपको NCS का सॉन्ग ही प्ले करके सुना सकता हूँ, लेकिन अगर आपको पंजाबी सॉन्ग सुनना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको यूज़र आईडी शो हो रही होगी। और गाइज जो NCS के सॉन्ग होते हैं इसमें थोड़ा आउटपुट कम ही आता है, तो आप एक बार पंजाबी सॉन्ग भी सुनकर देखना मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर। तो चलिए गाइज सॉन्ग प्ले करते हैं।
गाइस आपने आउटपुट तो सुन ही लिया होगा इस कार का। इसका जो म्यूजिक सेटअप है काफी डिसेंट सा है, लेकिन हाँ जिन लोगों को ज्यादा बेस पसंद नहीं है उनके लिए गाइज ये बिल्कुल मेरी तरफ से थम्स अप है। ये वाला म्यूजिक सेटअप काफी ज्यादा वर्थ है, मतलब जिस हिसाब की इसकी कॉस्ट है। अभी मैं आपको इसकी कॉस्ट बताता हूँ, फिर आप बताना कि म्यूजिक सेटअप कैसा है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए गाइज मैं आपको एक बार बाहर से भी सुना देता हूँ इसका आउटपुट। तो गाइज जो इसके बूट में जो लगा हुआ है वो गाइज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। तो गाइज वो अगर मैं आपको बताऊं जो साउंड अपग्रेड जो हुआ है, सिर्फ क्योंकि बाकी सब तो स्टॉक है गाइज आप देख सकते हो, सिर्फ 3500 से 4000 के बीच में गाइज आप भी अपने कार का साउंड ऐसा ही कर सकते हैं जैसा हमने कर लिया है। तो गाइज अगर आपको भी पता करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जल्दी उसके ऊपर वीडियो डालूंगा कि आप कहाँ से उसको परचेज कर सकते हो। तो गाइज बता दूं आपको, एक बूफर लगा हुआ है। तो गाइस पूरी बात तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। तो गाइस मैं म्यूजिक सेटअप से रिलेटेड एक वीडियो जल्दी अपने चैनल पर लाने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए इसके सिनेमैटिक्स की तरफ चलते हैं। You are.
आपको ये कार कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस आपने पूरी कार देख ही ली है, बिना विदाउट अलॉयज विदाउट बॉडी किट हमने इस कार को कितना अच्छा बनाया है। आप भी अपने अपनी कार को खुद ऐसा कर सकते हैं थोड़े बहुत कॉस्मेटिक्स मोड के मदद से। तो मेरी वीडियो अगर आपको कहीं पर भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।